आप तमाम दोस्त कैरियर होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो भी ईद से रिलेटेड है, जिसे आपने एक नहीं दो दिन तीन चार दिन नहीं करना, बल्कि एक दफा 30 मिनट करके आपने एक हफ्ते बाद तक इसका रिजल्ट जो है वो हासिल कर लेना, और दोबारा आप इसको 10 दिन बाद दोहराएंगे, उससे पहले आपको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से आते हैं कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है। आपको हाथ कोरे करने का नुस्खा बता रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान, आजमूता और जबरदस्त किस्म का है, जिससे आपको कोरी रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टमाटर को मैं दो हिस्सों में काट लूंगी, इतना सा पीस लेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ जो है वो इसकी मदद से अपने हाथ पे जो है स्क्रब करना है इसका। ठीक हो गया, ये मेरे पास पिसी हुई चीनी है। अब सिंपली मैं चीनी को इस टमाटर के ऊपर लगाऊंगी और इसकी मदद से अपने हाथ पे अच्छी तरह से स्क्रबिंग करूंगी। ठीक हो गया, अब यहाँ पे टाइम नोट करें, मैं सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ जल्दी में, मैं बस आपको एक मेथड, एक तरीका बता रही हूँ, आपने उतने टाइम तक इसको करते रहना जितना मैं बताऊंगी। ठीक हो गया, आपने इसे 5 मिनट लाजमी करना है, हाथ आपने हल्का रखना है, 5 मिनट तक अच्छी तरह से स्क्रबिंग करें, और आप इसे अपने नकल्स पर, मतलब उंगलियों के जो जोड़ है, बाजू पे, हाथों पे, पाँव पे अप्लाई कर सकते हैं, चेहरे पर नहीं करेंगे, चेहरे के लिए बिल्कुल नहीं है, ये हाथों पाँव के लिए है, बाजुओं के लिए। ठीक हो गया, बहुत अच्छी तरह से आपने स्क्रबिंग करनी है। अगर इनकेस देखें आपने राइट हैंड पे भी करनी है और सेम टाइम में आप नहीं कर सकते, वैसे तो आप वन बाय वन कर सकते हैं, एक दफा लेफ्ट हैंड पे कर लें फिर राइट पे, तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो उसका तरीका ये है कि आप टमाटर को ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लें, उस पेस्ट में आप पिसी हुई चीनी जो है वो थोड़ा सा पेस्ट मिलाएं, ताकि वो पतला ना हो जाए, उसके अंदर थोड़ी सी पिसी हुई चीनी मिलाएं और उसे अपने हाथों पे अप्लाई करें, और दोनों हाथों की मदद से आप स्क्रबिंग करें। ठीक हो गया, आपने 5 मिनट करनी है, यहाँ मैं 1.5 मिनट कर पाऊंगी वो मुश्किल, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक हो गया, उसके बाद आपने इसको साफ कर देना, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है। अच्छी तरह से अपने उंगलियों के जोड़ों पे भी इसको अप्लाई करें, आप इसका फौरी रिजल्ट देखेंगे, यानी कि जैसे ईद आ रही है ना, तो आप इसे ईद से एक दिन पहले दोहरा लीजिए, दो दिन पहले दोहरा लीजिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके 7 से 10 दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे, आपके हाथ पांव और बाजू बहुत नीट आपको नजर आएंगे, बहुत ज्यादा नीट और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो मुझे यही रिक्वेस्ट थी कि फौरी रिजल्ट का मैम कुछ बताएं, डेली डेली लगाने वाला भी झंझट नहीं, एक दफा कर लेंगे तो 7 से 10 दिन आपका रिजल्ट जो है वो बरकरार रहेगा, और महीने में आपसे 2 से 3 दफा दोहरा सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। 10 दिन बाद दोहरा लें या आप इसे 15 दिन बाद दोहरा। ठीक हो गया जी, इसको साफ कर लें। वीडियो ज्यादा ना लंबी होने की वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ ये कि आपको लाइव वीडियो से ज्यादा समझ आ जाए। आप देख रहे हैं स्क्रबिंग से काफी मतलब रिजल्ट आया है, लेकिन आपको ज्यादा रिजल्ट शो नहीं होगा जब तक हम इसको कम्प्लीट नहीं कर लेंगे। ठीक हो गया, अब हम तैयार करने लगे हैं पेस्ट, जिसे हमने इसके बाद अप्लाई करना है। स्क्रबिंग से ये होगा, जो डस्ट मट्टी वगैरह वो निकल जाएगी, डेड सेल्स निकल जाएंगे उसके बाद, ताकि हमें रिजल्ट डबल मिल जाए। एक चम्मच मेरे पास उबटन है, अब यहाँ पे नोट कर ले, मेरे पास ये बना हुआ उबटन है जिसमें संदल है, जाफरान है, हल्दी है, चावल का आटा है, बेसन है, सब है। ठीक हो गया, आप ये ना ले, आप बेसन ले, ये हाइड्रोजन है, और इसको आपको बताते हैं कि आपने 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून जो है वो इसमें शामिल करना है, 1 चम्मच पेस्ट बनाने के लिए। अब आगे चल के आपको बताते हैं कि अगर आपने ज्यादा बनाना है तो आप इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आपने क्या करना है वो भी आपको बता देते हैं। मैं चूंकि सिर्फ 1 चम्मच बना रही हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हाथों की स्किन और चेहरे की स्किन में बहुत फर्क होता है, तो चेहरे पर इसे अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल अप्लाई नहीं करना, चाहे आपकी स्किन बिल्कुल फिट भी है, अगर चेहरे पर करना भी है तो आपको बता देते हैं। उसके बाद ये रोगन जैतून है, इसका तकरीबन 8-10 ड्रॉप्स आपने इसमें जो है वो शामिल करना है, ताकि स्किन ड्राई नहीं हो आपकी, एकदम से सॉफ्ट और नरम मुलायम रहे। ठीक हो गया, थोड़ा सा इसमें जैतून का तेल मैंने मिला दिया, अब सिंपली इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बस 3 इंग्रेडिएंट्स है और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, मैं बता रही थी कि अगर आपके पास जो है वो उबटन बाजार का नहीं है तो आप बेसन ले लें, बेसन नहीं आप मैदा ले लें, मैदा नहीं आप चावल का आटा ले लें, आप सिंपल आटा भी ले सकते हैं। मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हम हाइड्रोजन को किस तरह से अप्लाई करें इसकी पिक, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। अब ये मिक्सचर जो है वो तैयार किया मैंने, इसको मैं पेस्ट को अपने हाथ पे अप्लाई करूंगी। अब देखते हैं कि मुझे आप लोग की यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी मैम नाम बनाया करें, तो बहुत सारे दोस्तों की जहाँ ये रिक्वेस्ट है, तो काफी दोस्त ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वीडियो आप ज्यादा लंबी बनाया करें। खैर, ये बात का मसला है, इसे आपने अपने हाथ पे अप्लाई करना है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने कितना गाढ़ा इसको रखा है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना हमने, तो इसके बाद अच्छी तरह से इसे आप अप्लाई कर लीजिए अपने हाथ पे, बाजू पे और पाँव पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसके ड्राई होने का इंतजार करेंगे। ठीक हो गया, बस इतना सा काम है, उसके बाद का प्रोसेस आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। अच्छा जी, इसको ड्राई होने के लिए 20 से 25 मिनट लगेंगे। 20 से 25 मिनट के बाद जो है आप देख रहे हैं कि ये काफी ड्राई हो चुका है,
या भाप की मदद से रिमूव करना मुश्किल है, आप इससे थोड़ा 5 मिनट अगर पहले करें तो इसको रिमूव करने में आसानी रहेगी। हल्के हाथ से इसको आप उतार दीजिए, आप ऐसे नहीं उतारना चाहते, आप डायरेक्ट इसको वॉश कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं नए दोस्तों से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इससे पहले आप इसको लाइक करना भूल जाएं, प्लीज इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा, क्योंकि ईद आ रही है तो गर्ल्स को ज्यादा जल्दी फौरी रिजल्ट की जरूरत है क्योंकि पीछे दिन बहुत कम है। तो मैंने 3 से 4 टिप्स अभी ईद के मुतालिक वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जिससे सिर्फ 1-2 दफा आपने अप्लाई करना और इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। लास्ट यहाँ तक मुतालिक था, इससे पहले अपने हाथों पाओं को भी आप साफ सुथरा कर लीजिए और आप इसका पूरी रिजल्ट देखेंगे। ये मेरे पास नॉर्मल टैंकी का पानी है, ठीक हो गया, सादा पानी जो है उसकी मदद से कुछ भी नहीं किया मैंने, बस अपने हाथों को जो है वो वॉश कर दिया। आपके सामने इसलिए किया है क्योंकि मुझे अभी तक याद है कि काफी महीने पहले मुझे एक वीडियो पे किसी ने कमेंट्स में कहा था कि आप वैसे ही आप लोग जो है वो साफ करके दिखा देते हैं तो कुछ लगा भी लेते हैं जब आप वॉश करके आते हैं, तो ये मैं तब से जो है वो पानी से वॉश करती हूँ आपके सामने। और मोस्टली आपने देखा होगा वीडियोज में मैं अपने वेट हैंड या मतलब गीले हाथ है वैसे ही दिखा देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ लगाया, तो ये आपके सामने मैंने वॉश कर लिया, ठीक हो गया जी। एक ही दफा के इसके इस्तेमाल से अलग मैंने स्क्रबिंग सिर्फ 1 मिनट की, अगर आप 5 मिनट की करेंगे और इस पेस्ट को आप 30 मिनट के लिए लगा के रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला गारंटी से आपके हाथ चमक जाएंगे, क्योंकि हाथों की स्किन सबकी ठीक होती है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, इनके एलर्जी कोई नहीं हो, तो इसको हर तरह की स्किन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। बात चेहरे की होती है और इसे चेहरे पे आपने अप्लाई नहीं करना, मैं भी कल इसको कर भी चुकी हूँ और एक दफा मैंने आपके सामने इसको कर लिया, रिजल्ट आपके सामने है। अगर आप गौर करके देखें तो वीडियो के पीछे जाके भी देख लीजिए जहाँ मैं इसको तैयार कर रही थी या जहाँ पे मैं स्क्रबिंग कर रही थी, ठीक हो गया। जो आप लोगों को रिजल्ट नजर आ गया होगा वीडियो में, तो एक ही दफा आपने इसको अप्लाई करना है, 7 से 10 दिन के लिए आपका रिजल्ट बहुत शानदार रहेगा, मतलब क्योंकि ये स्पेशली के लिए जो कि रिक्वेस्ट पे बनाई गई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और मुझे वीडियो के मुताबिक फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हमेशा की तरह अपनी सेहत, खूबसूरती, अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और उसके साथ साथ देखते रहिए सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। लेकिन मुझे अल्लाह हाफिज बोलने से पहले ये याद आ गया है कि आज की वीडियो में मैंने कोई लेसन नहीं दिया, तो चलिए अच्छा हो गया मुझे याद आ गया, वरना मेरे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने कमेंट्स बहुत ज्यादा करने थे कि आज का लेसन कहाँ गया, तो थैंक गॉड मुझे याद आ गया। आज की वीडियो में आपको जो छोटा सा लेसन देना चाह रहे हैं उसमें सिर्फ ये कहेंगे कि जब इंसान अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो इसका रिजक रोक दिया जाता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सबक है। होता है ना कभी हम लोग भी मतलब अपने मुतालिक दुआ करते हैं, दोस्तों के मुतालिक, रिश्तेदारों के मुतालिक दुआ करते हैं, लेकिन जब तक हम अपने पेरेंट्स के लिए दुआ नहीं करते हैं तब तक अल्लाह भी हमसे जो है वो राजी नहीं होता। लेकिन इस बात पे मैं ये नहीं कह रही कि अल्लाह हमसे नाराज हो जाता है, अगर इस पे मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, इस पे वजाहत करना चाहूँ तो मेरा ख्याल है कि कम अज कम मैं 1 घंटा इस पे बोल सकती हूँ, लेकिन हमारे टॉपिक से हट जाएंगे। तो इसके साथ साथ चलिए अच्छा हो गया मुझे याद आ गया, एक और भी मैसेज आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना था, बल्कि आप लोगों से मशवरा चाहिए था मुझे, मशवरा मुझे आप लोगों से ये करना था कि मैं एक और चैनल बनाना चाहती हूँ और उस चैनल को मैं स्टोरीज पे बनाना चाहती हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे स्टोरीज, नॉवल्स, अच्छी बुक्स जो है वो पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। तो मैं आप लोगों से ये मशवरा करना चाहती हूँ कि अगर मैं इस टॉपिक पे चैनल बनाऊँ की जिसमें आप लोगों को अपनी पसंदीदा स्टोरीज, नॉवल्स, हर किस्म की इस्लामिक बुक्स या हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाए ताकि आप लोग के नॉलेज में भी इजाफा हो। तो समटाइम होता है कि हम अपनी रूटीन लाइफ से इतने डिस्टर्ब हुए होते हैं, हम कुछ इंटरटेनमेंट चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए हम आंखें लगा के बुक्स भी नहीं इतनी ज्यादा पढ़ सकते, हम मोबाइल का भी बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते, बट हम सुन सकते हैं। आपको स्क्रीन पे भी नजर नहीं लगाना पड़ेगी, पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए मैं हाजिर हूँ आपको पढ़ के सुनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये चैनल के साथ साथ शौक भी है और मैं चाहती भी हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छी बातों के साथ साथ हिस्ट्री, इस्लामिक टॉपिक पे बुक्स जो है, नॉवल्स जो है आपके पसंदीदा जिसकी आप लोग फरमाइश करेंगे वो आप लोगों को मैं सुनाऊँ, वीडियो बना के आप लोगों के सामने पेश करूँ। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे जिसमें मेरा शौक किया तो प्लीज मुझे आज की वीडियो के बाद में कमेंट्स लाजमी करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे शौक का भी ख्याल रखेंगे और अपने शौक का ख्याल भी रखेंगे, तो आप लोग मुझे बताइए ताकि मैं जल्द अज जल्द उस चैनल को क्रिएट करूँ और फिर हम उस पर भी वर्क करेंगे इंशाल्लाह ताला आपके लिए। उम्मीद करती हूँ हम बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे उसकी वीडियोज को। तो चलिए जी, बहुत सारी बातें हो गई है, वीडियो के मुताबिक भी फीडबैक दीजिएगा और ये जो मशवरा मैंने अपने दोस्तों से किया है उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उस पर गौर के साथ साथ मुझे बताएंगे भी, ताकि मैं समझ सकूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं। मुझे दीजिए इजाजत,
के लेसन भी हो गया, वीडियो भी हो गई, और वीडियो को दोस्तों के साथ प्लीज लाजमी शेयर करिएगा, क्योंकि एक तो खुशी में बहुत ज्यादा गोरे होने वाले जो दोस्त अहबाब हैं वो इस नुस्खे को अप्लाई करें और एक ही दफा करने से रिजल्ट में होंगे। इसके बाद आप इसको और रिजल्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कोई भी नाइट क्रीम इस्तेमाल करिए ना, कोई भी। चेहरे के लिए तो हमें टेंशन रहती है ना कि इसकी स्किन खराब नहीं हो जाएगी, अच्छी है कि नहीं है। अगर हम देखें पाकिस्तान में, आप देखते होंगे कि नाइट क्रीम्स इस वक्त जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। जिसको भी देखे ना वो ब्रांड नहीं भी चेक करेगा, कंपनी भी नहीं चेक करेगा, बस नाइट क्रीम है तो चल रही है। और आजकल ये काफी हद तक जरूरत बन गई है, हम इसको ना भी इस्तेमाल करें, जो रेमेडीज को इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं, उनको भी नहीं चलेंगे। टॉपिक से हम फिर हट गए तो बात ये हो रही थी कि आप कोई भी नाइट क्रीम इस्तेमाल करती है ना, अगर नाइट क्रीम नहीं भी करती, आपके पास तरन लगी भी है, कोई लोशन भी अवॉइड, आप डेली रात को अपने बाजुओं पे, हाथों पे और पांव पे लगा लीजिए इस नुस्खे को अप्लाई करने के बाद, क्योंकि इससे डस्ट मट्टी निकल जाएगी, डेड सेल्स निकल जाएंगे, तो उसके बाद हम स्किन पे कुछ भी हल्का सा अप्लाई करेंगे ना तो हमें बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती।